दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बिहार के राजधानी शहर पटना को। बिहार और पटना को लेकर अलग छवि है हमारे देश में, लेकिन आज की कैपिटल ऑफ बिहार पटना इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी डेवलप्ड हो चुका है। शहर के रोड कनेक्टिविटी हो, फ्लाईओवर्स हो, स्काईलाइन हो, मल्टीप्लेक्स मॉल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास हुआ है। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर के रूप में सामने आया है। इंडिया का 12th सबसे बड़ा प्रदेश है बिहार, और यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है पटना, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। धर्म संस्कृति पूर्ण भूमि से भरा हुआ है ये शहर। पटना को पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, जो इतिहास में एक गौरवमय अध्याय था। इस शहर की परिचय कई दशक पहले से है। इस शहर में ही मौजूद है इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट नदी के ऊपर बना ब्रिज महात्मा गांधी सेतु। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि है पटना शहर। सिखों के लिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना में कई सारे फ्लाईओवर्स मौजूद है, इसलिए पटना को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स नाम से भी जाना जाता है। पटना में हाईवे से लेके फ्लाईओवर तक, एजुकेशन हब से लेके एग्रीकल्चर तक, मल्टीप्लेक्स मॉल से लेके होटल इंडस्ट्री तक, रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक, शहर में सब कुछ मौजूद है। ऐसे कई सारी चीजों में पटना शहर को पहचाना जाता है। तो चलिए मेरे साथ वर्चुअल एक्सप्लोर करते हैं बिहार की शान और बिहार की मान पटना शहर को। पटना शहर आज के समय में तेजी के साथ विकसित होने वाले शहर के लिस्ट में शामिल है। पिछले कुछ सालों में शहर में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स, न्यू हाईवे, स्काईलाइन, न्यू रोड कनेक्टिविटी शामिल है। हिंदुस्तान की बाकी मेट्रोपोलिस और मेजर शहर की तरह मॉल्स कल्चर आ चुका है शहर में, जिसमें बिग बाजार, वी मार्ट, रिलायंस स्टोर, सिटी सेंटर मॉल जैसे शॉपिंग मॉल्स शहर के अंदर मौजूद हैं। पटना बिहार के राजधानी शहर होने के साथ साथ बिहार की सबसे बड़ा शहर भी है, और बिहार जैसे प्रदेश के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी इस शहर में ही मौजूद है। क्या आपको पता है कोलकाता के बाद ईस्ट इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा शहर है पटना। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2011 की जनगणना सूची के अनुसार शहर में 20 लाख से भी ज्यादा आबादी है, और पूरे देश में पटना शहर 19 सबसे ज्यादा घने आबादी वाला शहर है। दोस्तों पटना की इतिहास भारत में बहुत ही गौरवमय रहा है। पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो कि मगध साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तब के समय में मगध साम्राज्य और पाटलिपुत्र पूरे भारतवर्ष में एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, और इसी शहर में ही बहुत सारे महान व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिसमें आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, भाई जीवन सिंह, चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भारत का महान व्यक्ति का नाम शामिल है। सिखों की 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्मभूमि रहा है पटना शहर, इसलिए सिखों के लिए जगह बहुत ही खास है। इन सबके अलावा भी आज के जमाने में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की होम टाउन है पटना शहर। इसमें सोनाक्षी सिन्हा, इम्तियाज अली, शिखर सुमन, संजय मिश्रा, नेहा शर्मा और भी कई सारे नाम शामिल है। सिटी मेयर फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना की एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है 7.9%, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग के लिस्ट में 21 नंबर पर है और भारत में 5th पोजीशन पर है। दोस्तों काइंडली पटना में सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम है विश्वकर्मायन भवन, जिसकी हाइट है 71 मीटर और ये 18 फ्लोर का बिल्डिंग है। हालांकि शहर के अंदर कई सारे अभी टॉल स्काईस्क्रैपर्स का निर्माण हो रहा है, जो कम्प्लीट होने के बाद ये शहर का लुक से चेंज हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पटना शहर एयरपोर्ट और रेलवे से पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। पटना रेलवे स्टेशन इंडिया का एक व्यस्त रेलवे स्टेशन है। कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाली सारी ट्रेन इस स्टेशन होकर ही गुजरती है। सन 1862 में पटना स्टेशन को चालू किया गया था, तब के समय में ये बाकीपुर स्टेशन हुआ करता था। पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वतंत्र सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया है। इस एयरपोर्ट से हर दिन कई सारी उड़ान भरती है। पटना में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो की भी मंजूरी मिल गई है। आगे आने वाले दिनों में पटना शहर में मेट्रो के चलते हुए हम देख पाएंगे। पटना मेट्रो कॉरिडोर में करीब 24 स्टेशन मौजूद होंगे। इसके अलावा दिल्ली पटना कोलकाता रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की भी प्लानिंग इंडियन रेलवे की तरफ से किया गया है। पटना में आईटी पार्क बनवाया जा रहा है, जहां पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज अपना सेटअप तैयार करेगा। फिलहाल शहर में TCS जैसे कंपनी शामिल है। अगर एजुकेशन की बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग पटना में ही दिखे जाते हैं। यहाँ पे टोटल लिटरेसी रेट है 70.68%। और दोस्तों क्या आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा IPS और IAS ऑफिसर बिहार से ही है। जिन IPS और IAS के कंधों पर हमारे देश की जिम्मेदारी है, उसमें सबसे ज्यादा ऑफिसर बिहार से ही आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ IPS और IAS बल्कि भारत के ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में भी ज्यादातर बिहार के लोग शामिल हैं। पटना में IIT, NIT, AIIMS, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट भी शामिल है। पटना की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है इंडिया के बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज से। वर्ल्ड बैंक की एक सर्वे में बताया गया है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए इंडिया में पटना सेकेंड बेस्ट शहर है। ऐसे तो पटना में कई सारे घूमने लायक जगह है, लेकिन पटना शहर आने पर आपको इन जगह पे जरूर जाना चाहिए। गोलघर से लेके पटना म्यूजियम तक, संजय गांधी जैविक उद्यान से लेके पटना साहिब गुरुद्वारा तक, महात्मा गांधी सेतु से लेके फांटासिया वाटर पार्क तक,
इसके अलावा और भी कई सारी जगह इसमें शामिल है। अगर खाने की बात करें तो बिहार और पटना में इन सारे पकवान का स्वाद आपको जरूर चख लेना चाहिए। इसमें लिट्टी चोखा, चना घुगनी, खाजा, मटन कबाब, केसर पिस्ता, दाल पीठा, ठेकुआ जैसे मुंह में पानी आ देने वाला खाना आपको जरूर चखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिहार के राजधानी शहर पटना को लेकर लोगों के मन में जो भी डाउट्स था वो इस वीडियो में काफी हद तक चेंज हो चुका है। समय के साथ साथ पटना शहर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है एंड इसके इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है। तो पटना शहर जरूर आइए और अपने आंखों से एक्सप्लोर करिए और यहाँ के खाने का मजा लीजिए। आई होप पटना शहर को वर्चुअल एक्सप्लोर करके आपको मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।